तो पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं टावर इंस्टॉलेशन कर रहा था, जहाँ पे हम लोगों का पूरा एयर फाइबर का जो नेटवर्क है पूरा स्कैटर्ड हो चुका था। तो फाइनली हम लोग का लिंक बन चुका है, जो कि हमें 78 dBm के साथ ओके ओके सिग्नल मिल रहा है, जिसमें हम नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। उतना हाई मतलब कुछ नहीं, बट फिलहाल के लिए जो मतलब नेसेसरी काम है वो सब कुछ हो सकता है। तो मैं तुम्हें विनबॉक्स में दिखाता हूँ अपना। ये देखो यार, दोनों के दोनों आ चुके हैं। ये हम लोगों का 99 अभी देखो यार, मैंने अभी मैंडबॉक्स 99 जो कि एक सेक्टर एंटीना 120 डिग्री, हम इसे यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टेशन साइड में, एंड मैनबॉक्स 15S को हम यूज कर रहे हैं एज अ ट्रांसमिशन साइड में। बेसिकली मैंने UBNT का पहले बोला था, UBNT के साथ दिक्कत ये हो रहा था कि आप मुझे ये पता नहीं था कि लाइट AC एज अ स्टेशन मोड में वर्क नहीं कर सकता UBNT प्रोडक्ट के साथ, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। तो अभी हम लोग UBNT की तरफ से नहीं जा रहे, हमें माइक्रोटेक की तरफ से। और तुम लोग एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर तुम लोग पॉसिबल अगर ना बजट में अगर एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक बना रहे हो, तो डेफिनेटली माइक्रोटेक की तरफ जाओ, क्योंकि UBNT के साइड क्या होता है कि उनका जो जो इकोसिस्टम होता है ना, वो मतलब पूरा UBNT के साथ ही पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम होता है। तो अभी जैसे कि मेरा हो क्या रहा था कि अगर मेरे पास AC डिवाइस होता, एयरमैक्स डिवाइस होता, तो वहाँ से मैं एज अपने लाइट AC को स्टेशन मोड में यूज़ कर सकता था। बट फिलहाल के जो लाइट भी M5 है वो AC नहीं है, तो उसके वजह से वो एज एक्सेस पॉइंट तो काम कर रहा है, बट UBNT में एज ए स्टेशन मोड में वो वर्क नहीं कर सकता। तो अभी पास हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हम दोनों सेक्टर को एज ए अपने पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे बनाएं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने जो यहाँ पे जो 15x है, 15x है मैंड बॉक्स, इसको मैं चेंज कर दूंगा किसी और मतलब लॉन्ग रेंज पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस के साथ। बेसिकली पावर बीम के साथ कर सकते हैं, तो पावर बीम के साथ हो जाने से बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे मैंड बॉक्स 19S है, इसे मैं अपना एज ए सेक्टर में यूज़ करूंगा। और उसके जगह मैं रिसीविंग के लिए मैं यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं LG 5 AC ऐसा कुछ यूज़ कर लूंगा। तो ये दोनों चेंज हो जाएगा फिलहाल के लिए, बट अभी एक कनेक्टिविटी के लिए एक ब्रिज बनने के लिए हमने इसका यूज़ किया। तो मैंड बॉक्स 15S को ओपन कर दे चुके रिमोट में। तो यहाँ पे देखो क्विक सेट में हम गए, क्विक सेट में ये देखो अपना ये डिवाइस कनेक्टेड है, अपना क्या बोलते हैं मैक एड्रेस देख सकते हो, एंड ये इसका लास्ट IP है, एंड -77 dBm के साथ हमें मिल रहा है कनेक्शन। हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो ये देखो ये DB, और हमें टोटल जो बैंडविड्थ जो स्पीड मिल रहा है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मिनट, ये हम लोग का पूरा टोटल स्पीड मिल रहा है। और बेसिकली जो फाइबर का कनेक्शन है ना, वो भी मतलब जुगाड़ के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो जो मेन टाउन का कनेक्शन है वो किसी और टाउन के साथ दिया है जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड नहीं है, तो लोड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए स्पीड भी काफ़ी कम ही मिल रहा है। बट फिलहाल भी जो लिंक बना है वो हम लोग का अप्रॉक्स पकड़ के चलो 10 Mbps का लिंक बना है। डाउनलोडिंग देख सकते हो हमें 10 Mbps मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है, मतलब आपका वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जबकि एयर फाइबर तो है ही नहीं, तो उसके जगह में हम इसका तो यूज़ एटलीस्ट कर सकते हैं। एंड अपलोडिंग देखो तुम लोग 10 Mbps, तो हमें अप एंड डाउन दोनों 10 Mbps मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है, एंड विद अ पिंग ऑफ 72 मिलीसेकंड, तो खराब नहीं है। ओके, तो यही कुछ एक अपडेट था जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक का था। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना दिया है। तो वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमें लाते रहते हैं।